आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग 22x40 880 स्क्वायर फुट हाउस प्लान को डिस्कशन करेंगे। हॉरिजेंटल 22 फीट रहेगा और वर्टिकली 40 फीट। ग्राउंड फ्लोर प्लान और फर्स्ट फ्लोर प्लान बनाएंगे इसके। ग्राउंड फ्लोर प्लान में हम लोग ईस्ट फेसिंग बनाएंगे इसको। सबसे पहले हम लोग ड्राइंग रूम में एंट्री करेंगे। यहीं पर उसका साइज रहेगा 9 फिट 11 इंच में 10 फिट, और लेफ्ट साइड में किचन बनाएंगे 10 फिट में 6 फिट 1 इंच। यहीं पर एक पूजा रूम बनाएंगे। फर्स्ट फ्लोर में ड्राइंग रूम सेम रहेगा, ओनली हम लोग किचन के ऊपर एक बेडरूम बनाएंगे 10 फिट में 10 फिट 5 इंच। ड्राइंग रूम से हम लोग यहीं पर लिविंग और डाइनिंग हॉल में एंट्री करेंगे। इसका साइज रहेगा 13 फिट 11 इंच में 19 फिट 5 इंच। यहीं से यहीं तक रहेगा। लेफ्ट साइड में यहीं पर 5 फिट का विंडो बनाएंगे किचन के लिए, यहीं पर विंडो बनाएंगे, और ड्राइंग रूम के लिए यहीं पर विंडो बनाएंगे। और इसका राइट साइड में एक स्टेयरकेस बनाएंगे। स्टेयरकेस का साइज 6 फिट में 11 फिट 6 इंच रहेगा। यहीं पर टोटल 21 स्टेप रहेगा लैंडिंग को मिला के। फर्स्ट फ्लोर में स्टेयरकेस भी सेम रहेगा, ओनली हम लोग लिविंग रूम एरिया को चेंजेस करेंगे। और लिविंग रूम का साइज रहेगा 13 फिट 11 इंच में 15 फिट 1 इंच रहेगा। और इससे अटैच करके यहीं पर टॉयलेट बनाएंगे। टॉयलेट का साइज 6 फिट में 4 फिट रहेगा, और यहीं पर एक डोर 2 फिट 6 इंच का बनाएंगे, और वेंटिलेशन 2 फिट का, स्टेयरकेस और टॉयलेट के लिए 2 फिट का बनाएंगे। सेम रहेगा फर्स्ट फ्लोर में भी। लेफ्ट साइड कॉर्नर में और राइट साइड कॉर्नर में 2 बेडरूम बनाएंगे। यहीं पर 12 फिट में 10 फिट यहीं पर रहेगा, और यहीं पर वार्डरोब बनाएंगे और 5 फिट का विंडो बनाएंगे। विंडो जितने भी आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार प्लेसमेंट कर सकते हैं। और यहीं पर बेडरूम बनाएंगे, उसका साइज रहेगा 9 फिट 11 इंच में 12 फिट, और यहीं पर एक वार्डरोब बनाएंगे, और यहीं पर 5 फिट का विंडो बनाएंगे। सेम फर्स्ट फ्लोर में भी सेम रहेगा। अगर आप इस सेम प्लान को साउथ फेसिंग बनाना चाहते हैं तो सेम इस तरह से आप बना सकते हैं। यहीं पर एंट्री ड्राइंग रूम एंड कर करेंगे, और राइट साइड में किचन रहेगा। स्टेयरकेस लेफ्ट में बना देंगे क्योंकि नॉर्थ ईस्ट फेसिंग में राइट साइड में यहीं पर था। तो जितने भी डायमेंशन सेम रहेगा, चेंजेस नहीं होगा। और सामने हम लोग यहीं पर फर्स्ट फ्लोर में बालकोनी बनाएंगे। इस बिल्डिंग का लेआउट प्लान बनाएंगे तो टोटल इसमें 14 नंबर F1 कॉलम इस बिल्डिंग का लेआउट प्लान बनाएंगे। तो टोटल 14 नंबर फुटिंग रहेगा, कॉलम भी 14 नंबर रहेगा। इसमें 4 C1 कॉलम रहेगा 10 इंच में 15 इंच, और फुटिंग का साइज 5 फिट में 5 फिट और डेप्थ 5 फिट रहेगा। और C2 कॉलम 10 रहेगा, 10 इंच में 10 इंच। हॉरिजेंटल डिस्टेंस देखेंगे तो कॉलम आउट ऑफ टोटल 22 फिट रहेगा, और कॉलम सेंटर टू सेंटर 21 फिट रहेगा, और वर्टिकली 40 फुट कॉलम आउट ऑफ टोटल रहेगा, और 39 फिट 2 इंच कॉलम सेंटर टू सेंटर रहेगा। हॉरिजेंटल डिस्टेंस देखेंगे तो यहीं पर फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम में 10 फिट 5 इंच रहेगा, और सेकंड एंड थर्ड में 10 फिट 9 इंच रहेगा। और वर्टिकली देखेंगे तो किचन रूम के लिए कॉलम सेंटर टू सेंटर 10 फुट 10 इंच रहेगा, और लिविंग हॉल के लिए कॉलम सेंटर टू सेंटर 15 फिट 6 इंच रहेगा, बेडरूम के लिए 12 फिट 10 इंच रहेगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।